जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में जांच के लिए झारखंड सरकार के द्वारा एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी की 4 टीमें गठित की गई है जो अलग अलग क्षेत्र से में जाके पूछताछ करेगी। इनमें से पहला क्या था, आयोग के अधिकारियों से पूछताछ करेगी। एक अन्य टीम का गठन किया गया था जिसका काम क्या सौंपा गया है, कोचिंग संचालक का से पूछताछ करना। तीसरा टीम एक गठित किया गया है जिसका काम है छात्रों से पूछताछ करना, अगर किसी के पास साक्ष्य है तो उनसे पूछताछ करना। एक चौथी टीम है जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी जो है सत्यवत प्राइवेट लिमिटेड साउथ की एजेंसी है, उनसे पूछताछ करना। इनमें से पूछताछ का कर्म शुरू हो गया है और एसआईटी के द्वारा अभी तक 11 लोगों को देश के विभिन्न विभिन्न स्थानों से हिरासत में लिया गया है। इनमें कुछ सफेदपोश अधिकारी भी यानी कि सरकारी मुजलिम भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी संलिप्तता को स्वीकार कर लिया है। और लेकिन अभी तक इसका मास्टरमाइंड कौन है, इसका मुख्य कौन है, इसका बात अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन फिलहाल 11 लोगों को एसआईटी के द्वारा हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की कार्रवाई चल रही है। तो एग्जाम लेने वाली एजेंसी कौन थी, सत्यवत प्राइवेट लिमिटेड जो साउथ की एजेंसी है, जिनके द्वारा आरआरबी जेई 2019 का क्वेश्चन पेपर इसी एजेंसी के द्वारा लीक करवाया गया था। लेकिन फिर भी जेएसएससी ने इसी एजेंसी को एग्जाम लेने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और जब कॉन्ट्रैक्ट दिया तो मीडिया रिपोर्ट की माने तो जेएसएससी के परीक्षा में लगभग 550 करोड़ उगाही का लक्ष्य था, तो कम अमाउंट नहीं 550 करोड़। और यह आपको विश्वास इस लिए हो जाएगा क्योंकि जब ईडी ने आर्किटेक्ट विनोद सिंह जो हेमंत सोरेन के दोस्त हैं उनके यहाँ छापा मारा था तो वहाँ पर लगभग 100 जेएसएससी का एडमिट कार्ड बरामद हुआ था। और जब यहाँ पर एडमिट कार्ड इतनी बड़ी संख्या में वहाँ एडमिट कार्ड क्या कर रहे थे, 100 बल्क में 100 एडमिट कार्ड। और मार्केट में आपको खबर पता है कि जेएसएससी का सीट किस तरीके से बिका है। जैसे सीजीएल की बात करें तो इसमें रिपोर्ट के अनुसार 20 से 25 लाख के बीच में जेएसएससी का सीट बिक गया है। उसके बाद जेई का भी 2 से 3 बार इसका क्वेश्चन लीक हो गया लेकिन कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुआ है। पीजीटी का भी वही हसर हुआ, लैब असिस्टेंट का वही हसर हुआ, तो यानी कि जेएसएससी में जितने भी एग्जाम हुए सबका वही हसर हो रहा है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन लीक है तो धांधली का बात सामने आ रही है। तो इससे यह बात साफ जाहिर हो जा रही है कि जेएसएससी के परीक्षा के मामले में 550 करोड़ उगाही का लक्ष्य था। इसमें कई हाई प्रोफाइल लोग शामिल थे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप आर्किटेक्ट विनोद सिंह की बात ले सकते हैं जो हेमंत सोरेन के दोस्त हैं और वे डायरेक्ट हेमंत सोरेन को मैसेज करते थे, जो ईडी के चैट सामने आए हैं, ईडी ने जो रिकवर किया है और वहां से 100 एडमिट कार्ड बरामद किया गया है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मामला कितना गंभीर था और कितनी पहुँच थी। तो पर्सनल लीक मामले में पटना, चेन्नई और रांची में एसआईटी का छापा 11 हिरासत में। और इसके बाद जो लेकिन नीरज सिन्हा की हालत बेचैन हो चुकी है। जब ईडी की एंट्री की खबर आई तो नीरज सिन्हा ने अपना कॉल जो है दिल्ली में उनके जो सीनियर हैं या सीनियर ने उनके जो सहयोगी हैं उनको कॉल करना शुरू कर दिया। और रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के एक वरिष्ठ सांसद को भी उन्होंने कॉल करना शुरू किया है, ताकि उनका एक ही रिक्वेस्ट है कि ईडी की जांच को किसी तरह रुकाया जाए। अगर ईडी की एंट्री प्रत्यक्ष रूप से हो जाती है तो इसमें कई लोग बेनकाब हो जाएंगे, क्यों, लेकिन एसआईटी से तो कई लोग बन जाएंगे कि इसका मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा जा सकेगा, हो सके उनको दबा दिया जाए, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के मुजालिम, सरकार के लोग, नेता, बहुत कोई इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि शुरुआती जांच में ही कि आपको पता चल रहा है कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, अब ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल 11 लोगों को एसआईटी के द्वारा हिरासत में लिया गया है। तो यहाँ देख ले सकते हैं विनोद सिंह के मिले दस्तावेज और इसके इशारे पर तबादले में ईडी का सा गराया, जेपीएससी की तरह जेएसएससी में भी नियुक्ति घोटाला की आशंका। यहाँ देख सकते हैं लगभग 100 एडमिट कार्ड विनोद सिंह के यहाँ से मिला था जेएसएससी का, वह एडमिट कार्ड वहाँ क्या करा था इसका भी जाँच होनी चाहिए। तो वहाँ तक चेन्नई से भी 2 गिरफ्तार किया गया है, पटना से भी गिरफ्तार किया गया है, रांची से भी हिरासत में लिया गया है, लेकिन इसका नाम का खुलासा नहीं किया जा रहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कि कहां से कितने लोगों की गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इनमें से कई लोगों ने अपनी संलिप्तता को जाहिर कर लिया है कि इसमें जो क्वेश्चन पेपर लीक था उसमें शामिल थे। कैसे लीक हुआ, कहां से लीक हुआ, यह आपका मामला एसआईटी की जांच या तो ईडी इसमें प्रत्यक्ष रूप से एंट्री करती है तो ईडी की जांच में सामने आएगी। लेकिन फिलहाल जो 8 तारीख को जो जेएसएससी के अधिकारियों से भी, जूनियर अधिकारियों से भी
पूछताछ हुई। उन्होंने एसआईटी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया और मुख्य सचिव को लेटर लिख दिया कि एसआईटी की टीम उन्हें प्रताड़ित कर रही है। लेकिन जो इसका मुख्य मगरमच्छ है, मेन इसका मास्टरमाइंड है, उस पर उस तक पहुंचना जरूरी है, तभी आपको भविष्य में फिर एग्जाम देखने को मिल सकता है। नहीं तो आपका हर एग्जाम में ऐसा धांधली देखने को मिल जाएगा जो भविष्य में भी आयोजित किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी एसआईटी के द्वारा 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इनके आधार पर अन्य बड़े बड़े मास्टरमाइंड को हिरासत में लिया जा सकता है और उन पर कार्रवाई की जा सकती है, ऐसी छात्रों की आशा है। लेकिन फिलहाल 11 लोग हैं और यह काफ़ी एक बड़ा हाई प्रोफाइल मामला बनते जा रहा है। इसमें ईडी की भी एंट्री हो चुकी है लगभग, क्योंकि ईडी को जेएसएससी का एडमिट कार्ड भी बरामद किया है विनोद सिंह के यहाँ से। या काफ़ी ईडी वह काफ़ी बड़ा मामला लेकर चल रही है, क्योंकि 100 बड़ी संख्या में एडमिट कार्ड वहाँ कर क्या रहे थे, यह सबसे बड़ा सवाल है। इस पर भी विनोद सिंह से पूछताछ भविष्य में होगा और इस पर कुछ बड़ा एक्शन लेने की संभावना है। लेकिन और जेएसएससीजीएल का जो एग्जाम लीक का पेपर लीक हुआ है, इस पर भी शक का दायरा गहराता जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें हर तरह के लोग शामिल थे। एजेंसी के लोग का मिलीभगत हो सकता है, सरकार के जो नौकरशाह है उनका मिलीभगत हो सके, कई नेताओं की भी मिलीभगत हो सकती है। लेकिन मिलीभगत तो उनकी थी, लेकिन सारा खामियाजे छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अब देखते हैं भविष्य में क्या होता है इसका जाँच का दायरा, या आगे भविष्य में चल के एसआईटी के द्वारा मामलों को दबा दिया जाता है, क्योंकि भविष्य में भी ऐसा जेएसएससी के मामले में देखा गया है कि 2 से 3 बार अब जेई का पेपर लीक हुआ। अगर उसी समय आप ठोस कार्रवाई करते तो आपको ये अभी वर्तमान में जो स्थिति उत्पन्न हुआ देखने को नहीं मिलता है। उससे पहले भी जब जेएसएससीजीएल का एग्जाम हो रहा था, उससे 1.5 महीना पहले मार्केट में ये खबर प्रचलित था कि इतने लाख में सीट बिक रहा है। लेकिन झारखंड सरकार का स्पेशल ब्रांच क्या कर रहा था, कोई एक्शन क्यों नहीं, उसके पास खबर तो होगा, पहुंच गया। जब एक आम जनता के पास खबर पहुंच गया कि इतने ऐसा मार्केट में हवा है कि इस पर स्पेशल ब्रांच के भी खबर होगा, लेकिन खबर होगा तो एक्शन क्या लेगा। जब एक शुरुआती कहीं से जांच में पता लग रहा है कि इसमें राज्य के जो सर्वे सर्वा हैं उन्हीं का कोई शामिल है, तो जांच का दायरा आगे बढ़ के करता किया, इसलिए मामला दब जा रहा था, इसको एक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन अब देखते हैं अब विरोध के बाद क्या एक्शन क्या लिया जाता है आगे चल के। अब फिलहाल तो यही अपडेट है कि 11 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। इनमें से कई कुछ नौकरशाह भी शामिल हैं और कुछ प्रश्न पत्र लीक वायरल करने वाले भी लोगों को भी शामिल किया गया है। अब देखते हैं क्या होता है भविष्य में, लेकिन फिलहाल अभी कोई विशेष सफलता एसआईटी को मिलते हुए नहीं दिख रही है, क्योंकि सफलता विशेष तभी मिलते हुए कहा जा सकता है जब एसआईटी इसके मास्टरमाइंड को पकड़ेगी। अगर मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा जाएगा तो इसके छोटे छोटे इसके मुजालिम है उसको बली का बकरा बना दिया जाएगा। लेकिन इसका मास्टरमाइंड पकड़ा जाएगा तभी भविष्य में होने वाले परीक्षाओं को जो पेपर लीक है उस पर रोक लग सकती है, अन्यथा नहीं लगेगी। क्योंकि मास्टरमाइंड रह जाएगा तो वह फिर नए अपनी गुर्गे भर्ती करेंगे, अगर छोटे छोटे लोगों को बलि का बकरा बनाया जाएगा तो मामला जस का तस रहा जाएगा। तो देखते हैं अब क्या होता है भविष्य में।